नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र हाल ही में यानी 2 जुलाई को जो है वो लिखा गया, जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी तो उसका जिक्र किया है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र भेजा गया था तो उसका भी जिक्र किया है। तो यह दोस्तों, इसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए के प्रयास के लिए नैक समिति और माननीय हेमा मालिनी जी का अभिनंदन किया गया है। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में एक अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यह दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए के प्रयास के लिए नैक समिति और हेमा मालिनी जी का अभिनंदन किया गया है। बीते दिन दिनांक 2 जुलाई 2020 को मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले ईपीएस 95 पेंशनर्स की ईपीएस पेंशन को 7,500 रुपए कर उसे महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ती मृत्यु दर और दिनांक 4 मार्च 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात का जिक्र किया है। उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए कर उसे महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा लागू करने का आग्रह किया गया। तो यह दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेटर है तो 2 जुलाई 2020 को जो है वो माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के रूप में 7,500 रुपए प्रदान करने के समय उसे महंगाई भत्ता भी दिए जाए और मेडिकल सुविधा दिए जाने का यहाँ पर जो है वो आग्रह किया गया है। तो यह दोस्तों, इसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने किया अभिनंदन। दोस्तों, इसी विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय आसाराम जी शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय पूरन सिंह जी और माननीय कमल सिंह जी सहित संपूर्ण मथुरा टीम तथा माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया गया है। तो यह दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमिटी यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो विशेष अभिनंदन पत्र यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें माननीय आसाराम शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में नैक के नेता माननीय पूरन सिंह जी और माननीय कमल सिंह जी सहित मथुरा टीम का यहां पर विशेष अभिनंदन किया गया है। मथुरा टीम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सेवा में अखंडित कार्यरत है और हम सभी के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों की मातृशक्ति की प्रतीक और अति संवेदनशील संसद सदस्य माननीय हेमा मालिनी जी के सशक्त माध्यम से पूर्ण करवाने हेतु लगातार प्रयत्नशील और संकल्पित है ईपीएस 95 मथुरा टीम को शतशत नमन। कमांडर अशोक जी राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई थी तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी, जिसके तहत माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा
जो उत्तर प्रदेश की टीम है तो उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन किया गया है। साथ में यहाँ पर माननीय हेमा मालिनी जी को धन्यवाद भी कहा गया है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।